तो चलिए आज के हम इस वीडियो में क्लास 7 का प्रश्नावली 4.4 को देखेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जैसे पिछला एक्सरसाइज में कुछ अलग तरीका से था, x प्लस 3 बराबर 4 दिया था तो उसको सल्व करने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि आपको वर्ड में मतलब लैंग्वेज में दिया रहेगा, उसको लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है और साथ में उसको हल भी करना है। दो काम मिल गया पिछले एक्सरसाइज में, पिछले प्रश्नावली में सिर्फ एक काम करना था लेकिन इसमें दो करना है। कैसे है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला है इसमें कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। अच्छा, एक कोई संख्या है उसमें 8 गुना करना है और फिर 4 उसी में जोड़ना है तो आपको 60 प्राप्त हो रहा है। कैसे पता चल रहा है आप लोग को तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी हम आप लोग को इतना इजी तरीके से बताएंगे कि सारे क्वेश्चन आप लोग को इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन को पहले से लिख करके रेडी रखे हैं और साथ में आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो अब एक संख्या भाई, एक संख्या मतलब क्या? एक नहीं, अब एक संख्या हमें पता ही नहीं है तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या का बात कर रहा है तो वो जो संख्या है जो हमें पता नहीं रहता है जानते हो उसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना जो संख्या है उसको हम x मान लिए। जब कोई पता नहीं रहता है कुछ भी तो उसको हम क्या मानते हैं, x। तो एक संख्या का बात कर रहा था तो माना जो संख्या है उसको हम x मान लिए। अब चलिए आपका प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए लिखेंगे प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए कि एक संख्या कौन है भाई, x के 8 गुने मतलब गुना, तो x गुना 8 में 4 जोड़िए, इसी में 4 जोड़िए, 4 जोड़ दिए, आपको क्या मिलेगा, 60 प्राप्त होगा, यानी बराबर में 60 आएगा, ये बात कह रहा था। ठीक है, समझ में आया, ध्यान से देखिए, एक संख्या बोल रहा था तो माना कि संख्या हम पता नहीं था तो उसको x मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो, p मान सकते हो, a मान सकते हो, ठीक है, जो मन करे सो मान सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि यही मानना है, कोई भी संख्या कुछ मान लो। हमने x मान लिया, अब आपका प्रश्न जो दिया था बोला था कि एक संख्या मतलब x, इसमें 8 गुने, इसमें 8 से गुना कर दिए, 4 जोड़िए, इसमें 4 जोड़ दिए, क्या मिल रहा है आपको, 60, बराबर में 60 ला दिए। अब देखो 8 ले और x ले करेंगे, 8x प्लस 4 बराबर में 60। अब इसको सल्व करेंगे, जब देखो प्लस है 4 और बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 4, तो 8x बराबर 60 में से 4 जाएगा 56, तो x बराबर 56 बटा 8, 8 साथ 56, तो वो संख्या x बराबर क्या हो गया, 7, यही 7 हमारा आंसर हो गया, x बराबर क्या आ गया, 7, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए बी नंबर, एक संख्या का 1/5 घाटा 4 संख्या 3 देता है। एक संख्या का 1/5, एक संख्या, पहले देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माना हमें संख्या पता नहीं है तो उसको x मान ले चाहे y मान लो, मान लो कि उसमें x माने था, हम इसमें y ही मान सकते हैं, माना संख्या y है, y का मतलब गुना होता है, तो देखो एक संख्या y हो गया, का मतलब गुना 1/5। ठीक है, अब ये क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि क्या बोला है कि घाटा चार संख्या, ध्यान दीजिए, घाटा मतलब माइनस, तो हो गया 4, क्या दे रहा है, 3 देता है, तो बराबर में 3, जो बात कह रहा है उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y से 1 से y, अब बाटा में 5 और माइनस 4 बराबर में 3, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो y बटा 5 बराबर 3 प्लस 4 हो गया। तो y बटा 5, 4, 3, 7। अब ये भाग कर रहा इधर आएगा तो गुना कर देगा, तो y बराबर 7 गुना 5, तो y बराबर 35 आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अब देखो अगला, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। जो बात बोला है उसी को हम दोहराएंगे, ठीक है। हमें तो पता नहीं है कौन सी संख्या जोड़ना है, इसको माना संख्या को x मान लो, y मान लो, z मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यदि मैं किसी संख्या का, किसी संख्या क्या है x, इसका 3/4 लेकर, कितना चौथाई, 3/4, यानी x का 3/4 मतलब 3/4 भाग, ठीक है, 3/4 लेकर, ठीक है, इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें 3 जोड़ दो तो क्या मुझे प्राप्त होता है 21, तो देखो 21। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से 1 से 3, अब बटा में 4, अब प्लस 3, अब बराबर में 21। तो 3x/4 21, ए प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 3x/4 बराबर में 18, ये क्या कर रहा है भागा, इधर आएगा तो गुना, तो 3x/18 × 4 ये हो जाएगा 3x/18 = 36, 36 ले 2 से यानी 72 हो जाएगा। अब ये x में 3 गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 72/3, 3 × 6 और 3 × 4 = 12, यानी x का जो मान आ गया वो आ गया 24, x का मान 24 आ गया, कौन संख्या है 24। बस जो कहेगा उसी को काम करते जाना है, आप लोग का आंसर होते जाएगा, ठीक है। डी देखिए, डी है ध्यान से देखिएगा कि जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम क्या हो गया, 15 प्राप्त हुआ। तो जो भाई बोला है किसी संख्या, तो माना संख्या पहले हम मान लेंगे क्या x, माना जो संख्या है x, अब किसी संख्या x है तो x के दुगने में से इसका 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, में से मतलब घटाना, माइनस 11 घटाया है तो क्या मिला इसको, 15 मिला है, जो बोला वो हमने लिखा और इसमें हम कुछ अलग से कुछ नहीं किए। 2x - 11 = 15, तो 2x = 15 है, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x = 15 और 11, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो x बराबर देखो ये गुना कर रहा, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 26/2 ये 13, यानी x का मान आ गया 13 आंसर, ठीक है। ई नंबर देखो, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उससे परिणाम 8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान दीजिएगा। माना जो मुन्ना वाला संख्या है उसको क्या करेंगे, माना जो संख्या है वो x है, ठीक है। अब प्रश्न से चलिए, इसमें क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा कि मुन्ना ने 50 में से, तो 50 में से बोला है तो में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने से घटाया। अब उसके पास अभ्यास पुस्तिका कितना है, x है, तो x अभ्यास पुस्तिका x संख्या के तिगुने यानी 3 गुना घटाया तो हमने माइनस कर दिया, परिणाम कितना रहा है 8, तो हो गया 8। तो देखो ये 50 - 3x = 8, ये -3x = 8 और ये 50 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो -3x = 8 में से -50 जाएगा तो हो जाएगा -42, माइनस माइनस कट गया। अब x में 3 गुना करता रहेगा तो भाग कर देगा, तो x = 42/3, एक बार में 3 चौका 12, x = 14 आंसर हो गया, ठीक। अगला देखो, इबे नेहल एक संख्या सोचती है, ठीक है, वह इसमें 19 जोड़कर
जोग को पांच से भाग देती है तो उसे आठ प्राप्त होता है। देखो जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं, माना संख्या जो मान ली एक्स, तो प्रश्न से वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि इनेबल एक संख्या सोचती है, तो एक्स एक संख्या सोच ली, इसमें 19 जोड़ना है तो इसमें 19 जोड़ दी, ठीक है। जोड़कर जोग को पांच से भाग देती है जो आठ प्राप्त होता है। जोग को क्या कर रही है, जोड़ने के बाद 19 जोड़कर जोग को पांच से भाग देती है। मतलब देखो समझना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या कर रही है कि जब 19 इसमें जोड़ी तो इसी में पांच से क्या कर दी, भागा, और क्या इसको मिला, आठ, ठीक है। तो यहां से देखो x प्लस 19 ये पांच भागा कर रहा है, बराबर की साइड भेजेंगे तो वो क्या कर देगा, गुना। तो x प्लस 19 बराबर 8 पचे 40, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 40 माइनस 19, तो x बराबर 40 में से जब 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, 21 हमारा आंसर। समझ में आया, तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है वही काम आप लोगों को करते चले जाना है, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन बनते ही चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं, जी नंबर। इसमें एक और है, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से निकाल दे तो परिणाम 23 है। देखो माना जो संख्या है उसको x कर लो, माना संख्या x। अब प्रश्न से चलिए, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से निकाल दे, कौन संख्या में से, 5/2 में से, मतलब x के 5/2 में से क्या कर रहा है, यदि देखो एक बार फिर से पढ़ो ध्यान से, अनवर क्या कर रहा है, अनवर जो है, ठीक है, अनवर क्या कर रहा है, तो गलती प्रश्न है, अनवर एक संख्या सोचता है x, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, यदि वह इस संख्या, कौन संख्या, x के 5/2 में से, मतलब x में से 5/2 निकाल दे तो उसको परिणाम क्या मिल रहा है, 23। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 23 ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, एक और दो का एलसीएम कितना हो जाएगा, दो, भाग देंगे दो बार में 23 × 2 = 46, और ये हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 46 और 5, 51/2 आपका आंसर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट, ठीक है। अब देखो दूसरा, निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, अध्यापिक बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के 2 गुना जमा 7 है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या होंगे। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब आप कंपटीशन में जाओगे ना तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। देखो हमें तो पता नहीं है, हमें तो न्यूनतम अंक बताना है ना, जिसको मान लेंगे x, माना न्यूनतम अंक को हमने x मान लो चाहे y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, y मान लिए, ठीक है। अब चलो प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा के एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना से जमा 7 है, मतलब न्यूनतम अंक का 2 गुना, न्यूनतम अंक यानी वाई माने हैं तो 2 गुना है, माने 2 से और वाई से गुना कर देंगे, ठीक है। जमा मतलब जोड़, यानी इसमें 7 है, ओके। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक के 87, तो प्राप्त किए गए अंक कितना, 87, ठीक है। अब इसको हल कर दो, 2y + 7 = 87, तो 2y = 87, ये प्लस दे जाएगा तो माइनस, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 80, तो y बराबर
80 बटा 2 कटा देंगे 40, यानी y का मान हो गया 40। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितना है, 40 है। समझो एक बार फिर से, क्या बोला था अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा के एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना के साथ गुना, 7 जमा है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक के 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, देखो हमें न्यूनतम अंक बताना था, हमने न्यूनतम अंक को वाई मान लिया। अब यहां पर कहा गया है कि न्यूनतम अंक का दोगुना, न्यूनतम अंक वाई था, इसका दोगुना कर दिया, 2 से गुना, और इसमें जमा 7 मतलब जोड़ना होगा, और इसमें 7 किसके बराबर भाई, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितना दिया है 87, तो हम 87 कर दिए। अब इसी को हल कर लेंगे, वाई का मान 40 आ जाएगा, और वाई किसके माने हो, न्यूनतम अंक को, तो लास्ट में लिखोगे कहता प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है, आंसर। समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी नंबर, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। पहले देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं, आधार कोण मतलब देखो यहां पर किसी त्रिभुज का आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण, शीर्ष क्या है, ए वाला, ये 40 डिग्री है, ठीक है, और इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है, क्या है मतलब शीर्ष कोण 40 डिग्री है, और यहाँ पर आधार कोण जो है, वो आधार कोण ये क्या है, एक बराबर है एक दूसरे को, तो इसको जानते हो क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है, तो इसका बताइए कि इनका मान क्या क्या होगा, चलो बताते हैं, बहुत ईजी है। माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण क्या है, माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण हमने x मान लिया, x है, ठीक है, हमने क्या किया, x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, देखो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, यहाँ पर किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण बराबर है, आधार कोण मतलब x और y दोनों क्या है, बराबर है, तो x की जगह y ले सकते हो, चाहे y की जगह x ले सकते हो, हमने क्या किया, माना त्रिभुज के प्रत्येक आधार कोण x, ए भी x, ए भी x, तो x x हो गया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो देखो तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180, ओके, ठीक है ना, तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक देखो त्रिभुज का ये शीर्ष कितना दिया है 40, और ये तो हम पता है कि x और ये दोनों बराबर रहते हैं, भी x ही लिखेंगे, बराबर में 180, त्रिभुज तीनों का कोण लिख लिए, अब 40 x x 2x बराबर में 180, तो 40 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर 180 माइनस 40, तो 2x बराबर हो जाएगा 140, और x बराबर है गुना कर देगा तो भाग कर देगा, बटा में 2 कट गया 70, x का मान आ गया 70, यानी इसका भी वैल्यू 70 आ गया और इसका भी वैल्यू 70, क्यों, क्योंकि हमारा x और y बराबर है, तो x का भी मान 70 और y का मान भी 70 70, ठीक है, ये हुआ बात, समझ में आया। चलो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है, उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी बहुत क्रिकेट खेलते हो ना, खूब खेलते हो क्रिकेट, हमें पता है, ठीक है। माना देखो हम क्या करते हैं कि सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रन की संख्या का दुगना, मतलब सचिन से राहुल क्या कर रहा है, दुगना रन बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, माना राहुल द्वारा बनाए गए
कुल रन, कुल रन क्या मान ले x, ठीक है। और सचिन द्वारा, सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन 2x, क्योंकि देखो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगना, मतलब सचिन दुगना बना रहा है राहुल से, तो हमने वही सेम चीज लिख लिया, ठीक है। अब प्रश्न से देखो क्या हो रहा है, प्रश्न से क्या हो रहा है कि इन दोनों का x प्लस 2x दोनों का जो स्कोर है वो कितना हो रहा है, दोनों मिला करके दोहरे शतक, मतलब दोहरा शतक 100 रन का होता है, एक शतक में 100 रन, दो शतक में 200 रन, उससे क्या है 2 रन कम, तो 200 में से 2 घटाओ दोगे 198 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम इनको जोड़ते हैं 3x बराबर में 198, x बराबर 198 बटा 3, कटा दो 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18, x बराबर कितना आ गया 66। अब देखो x किसको माने थे, राहुल को, तो क्या लिखेंगे, अतः राहुल का जो रन है x बराबर 66 हो गया, और सचिन का क्या था, सचिन था 2x यानी 2 × 66 यानी 6 × 12 = 132 रन, ये दोनों रन बनाए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए भी हो गया, ए भी हो गया, अब इसी में का थर्ड है ना, थर्ड है, हाँ हाँ थर्ड ही है, नहीं थर्ड नहीं, अब खत्म हो गया, हाँ थ्री नंबर ए वाला क्वेश्चन, ठीक है। सचिन, सॉरी सचिन बोल रहे हैं, बार बार सचिन सचिन आ रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित को हल करना है, इरफान कहता है, इरफान क्या कहता है कि उसके पास, परमित के पास जितने कच्चे हैं उनके 5 × 7 अधिक कच्चे हैं, तो इरफान के पास 37 कच्चे हैं, तो परमित के पास कितने कच्चे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहले परमित का ले लेते हैं, उसके पास, परमित के पास जितने कच्चे हैं उनके 5 × 7 अधिक है, तो मान लेते हैं, माना परमित के पास, परमित के पास कुल कच्चों की संख्या, कुल कंचों की, कंचे की संख्या क्या है, मान लेते हैं x, ठीक है। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि उनके 5 × किसके, परमित के, तो x है इसका 5 × 7 अधिक, मतलब इसमें 7 जोड़ दो, तो इरफान के पास कितने हैं, कितने हैं इरफान के पास टोटल, कितने हैं 37, तो टोटल इसके पास 37, बस इसको सॉल्व कर लो पता चल जाएगा, ठीक है। हल करो तो 5x + 7 = 37, अरे 5x = 37 - 7, तो 5x = 30, x = 30 और गुना कर देगा तो भाग कर देगा 5 × 6 = 30, x = 6, लास्ट में लिखेंगे कि परमित के पास, परमित के पास कितने कच्चे, 6 कच्चे, आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखो, लक्ष्मी के पिता के आयु 49 यानी 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी के आयु के 3 × 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी, देखो कितना इजी है। सबसे पहले क्या करें, माना लक्ष्मी की आयु x मान ले चाहे y मान लेते हैं, लक्ष्मी के, माना कि लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु कितना है, इसको हम x मान लेते हैं, लक्ष्मी की आयु को हमने x मान लिया, x वर्ष, ठीक है। लक्ष्मी की आयु क्या हमने माना, x वर्ष। अब क्या करेंगे, देखो उसके पिता का क्या हो रहा है, देखना ध्यान से, लक्ष्मी के पिता का 49 वर्ष है, तो उनकी वायु लक्ष्मी की आयु से 3 × 4 वर्ष अधिक है, किसकी, लक्ष्मी की, तो देखो लक्ष्मी की तो x है, तो यहां से क्या हो जाएगा, कितने गुना, 3 × 3 = 3x, और 4 वर्ष अधिक यानी ये हो जाएगा 4, और पिता का उम्र कितना है 49, निकल जाएगा, तो
तो 3x बराबर 49 माइनस 4, तो 3x बराबर 49 माइनस 4 जाएगा 45, x बराबर है गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा 45 बटा 3 कटा देंगे, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा एक बार में, और 3 5 15, 15 3 45 यानी x का जो मान आ गया वो 15 आ गया। तो अतः लिखेंगे लक्ष्मी का आओ कितना हो जाएगा 15 वर्ष आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सुदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों की नहीं थे 77 है तो लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बहुत शॉर्ट में मिलेगा। देखो फलों वाले पेड़ की संख्या को हम एक्स मान लेते हैं, माना फलों वाले पेड़ की संख्या, पेड़ की संख्या क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो उन पेड़ों के फलों की संख्या नहीं है, इसमें नहीं भी मतलब है ना, तो उन पेड़ों की संख्या जो फल नहीं है, देखो तो क्या बोला है कि इनमें कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और उन पेड़ों की संख्या जो फलों नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या से द्विगुने से, फल वाला पेड़ कितना है एक्स, इसका 3 गुना से 2 अधिक थी, 2 अधिक थी, तो कितना हो गया, नहीं वाले कितना हो गया 3x+2। ठीक है, अब प्रश्न से चलेंगे, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों की नहीं है 77 है, कितना है 77 है, ये हो जाएगा 3x+2=77, तो 3x=77 ए प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 3x=75, x=75/3, 3 × 6 और 3 × 5 = 15 यानी x=25, यानी फल पेड़ों वाले की संख्या कितना होगा 25 होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहली को हल कीजिए, मैं एक संख्या वो मेरी पहचान बताइए, तो मैं एक संख्या कोई भी एक संख्या उसका पहचान मान लो ले लो कि y है, कुछ भी ले सकते हो mn कुछ भी, मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो मतलब इसमें 7 से गुणा कर दो तो ये हो गया 7y। ठीक है, और एक 50 जोड़ दो तो 7y+50 हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि एक तिहरे शतक पहुंचाने के लिए आपके एक तेरह शतक मतलब 300 के लिए तेरह शतक बोलते हैं, तो आपकी अभी भी 40 चाहिए, मतलब अभी इसमें 40 और जोड़ना है तब ये क्या होगा 13 शतक हो जाएगा, तो 7y+50 और इसमें और 40 जोड़िए तब ये क्या हो रहा है 300। अब इसको सॉल्व कर दीजिए पता चल जाएगा कौन सी संख्या होगी, तो 7y 50 40 90 = 300, तो 7y = 300 ये प्लस दे जाएगा तो माइनस, 7y = घटाएंगे 210, y = 210 और ये गुना इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी y का जो मान आ गया वो 30 है, कौन संख्या है 30 है। हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा बनाने में, उम्मीद करता हूँ सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे चैप्टर 5, क्योंकि वहां से हम लोग का बहुत ही एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है, तो उसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। हमारी वीडियो क्वालिटी खराब इसलिए है कि माइक लगाना हम भूल गए थे और बिना माइक का ही वीडियो बना है, तो प्लीज इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करिएगा। ठीक है, सॉरी बोलना चाहते हैं, फिर भी माइक नहीं लगा पाए ऐसे ही वीडियो बन गया था, तो सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके।